वेरी गुड इवनिंग एवरी वन एम आई ऑडिबल वेरी गुड इवनिंग सभी लोगों को एक बार फिर से नमस्कार गुड इवनिंग श्रद्धा श्रीवास्तव जी गुड इवनिंग श्रद्धा राजपूत वेद प्रकाश गुड इवनिंग अजय श्रीवास्तव गुड इवनिंग अंजलि यादव गुड इवनिंग जुबैर गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन चलिए तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वही है जो हम लोग कैरी ओवर कर रहे हैं ठीक है सिग्नलिंग तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक जो डेवलपमेंटल सिग्नलिंग होती है जिसको हमने नाम दिया था पैराक्राइन फैक्टर सिग्नलिंग उसके बारे में हम लोग ने स्टडी किया था कि कौन कौन सी सिग्नलिंग हो सकती है और उन सिग्नलिंग के बारे में हमने देख लिया था जिसमें से जैसे एफ सिग्नलिंग के बारे में हमने देखा देन उसके बाद हमने जैक स्टैट सिग्नलिंग के बारे में पढ़ा फिर हमने ओवरऑल बताया था कि हेजॉक सिग्नलिंग भी है डब्ल्यू सिग्नलिंग है नॉच पाथवे सिग्नलिंग है जिसको जक्शा क्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं तो इस तरीके से हमारे लिए जो सिग्नलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है

तो जो ड्रोसोफिला का जो इम्रियो होता है जो लार्वा होता है उस पर हमको कुछ स्पाइन या डेंटिकल्स नजर आते हैं ठीक है नजर आते हैं और उसका जो अपीरेंस आता है वो हमारा जो एक एनिमल है सोनिक जो हैजॉग जिसको हम लोग बोलते हैं और जो सोनिक टर्म है ये एक वीडियो गेम के एक एनिमेटेड कैरेक्टर से लिया गया है उसमें इस हैजॉग का नाम सोनिक था तो वहां से उसको ये नाम डराइव किया गया है तो सोनिक हैजॉग हम लोग पर्टिकुलर ज्यादा पढ़ेंगे तो जो हैजॉक टर्म है ये उस पॉइंटी डेंटिकल्स के कारण उसको ये नाम दिया गया है ठीक है और हमने देखा था कि जो वर्टिब्रेट्स हैं उसमें ड्रोसोफिला के ही इस हेजॉक के कुछ जो होमोलॉक्स हैं वो पाए जाते हैं ठीक है जैसे हमने ड्रॉसोफिला के जो हैजॉक जीन्स हैं उनके बारे में हमने देखा जैसे पहला हैजॉक था हमारा सोनिक हेजॉक फिर हमारा था डिजर्ट हैजॉक देन उसके बाद इंडियन हैजॉक ठीक है तो ये सारे तीन है होमोलॉग्स हैं जो हमारे वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं ठीक है जिसमें से हमने वन बाई वन तीनों के डिफेक्टिव फॉर्म को भी देखा था कि अगर हम सपोज जो सोनिक है, है उसको हम म्यूटेट कर दे तो क्या डिफेक्ट आएगा डिजर्ट हैजॉक है उसको हम म्यूटेट कर दे तो क्या इफेक्ट आएगा ठीक है तो इसी तरीके से अगर डिजर्ट हैजॉक को हम अगर म्यूटेट कर देते हैं तो हमारे सामने ये नजर आता है कि जो सर्टोलिक सेल्स होती हैं टेस्टिस की ठीक है उसके मॉडिफिकेशन के उसके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं इफेक्ट हमें नजर आने लगता है पॉइंट समझ में आ रहा ठीक है तो हमने देखा जो माइस है ठीक है अगर उसमें हम होमोजाइगस नल म्यूटेशन कर दें ठीक है होमोजाइगस नल म्यूटेशन अगर हम कर देते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसका कहीं ना कहीं जो डिफेक्ट है वो हमको यहाँ पे नजर आने लगता है तो आपको यहाँ पे जो हेजॉक है उनके टाइप तो आपको याद रखने हैं प्लस उसमें जो डिफेक्ट हमें नजर आ रहा है ठीक है उस डिफेक्ट को भी हमें हमें क्या करना है लगातार याद रखना है कि कौन कौन से डिफेक्ट को वो शो कर रहा है तो आपसे वो दो नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर कोई हमें स्पर्मेटोजेनेसिस में डिफेक्ट नजर आ रहा है तो वो कौन सा हेजॉक हो सकता है ठीक है सभी लोग को ये पॉइंट समझ में आ रहा है चलिए ठीक है फिर उसके बाद हमने देखा इंडियन हैजॉक है ठीक है जो हमारे गट और कार्टिलेज कि सेल्स में एक्सप्रेस होता है ठीक है और ये इंपॉर्टेंट है पोस्टनेटल बोन ग्रोथ के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं जो पोस्टनेटल यानी कि जो छोटे छोटे जो हमारे इन्फेंट्स होते हैं जो बच्चे होते हैं ठीक है उनके ग्रोथ के डेवलपमेंट में इस इंडियन है का बहुत बड़ा इफेक्ट हमें नजर आता है पॉइंट में आया ठीक है उसके बाद हमें सोनिक एजाब के बारे में हमने पढ़ा जो रिस्पॉन्सिबल है मोटर न्यूरॉन्स के फंक्शन में ठीक है और उसके बाद हमने देखा कि जो सोमाइट्स होता है ठीक है सोमाइट्स के फॉर्मेशन में न्यूरल ट्यूब जो है हमारा जो सोमाइट्स के हमारे डॉर्सल रीजन में पाए जाते हैं देन उसके बाद जो फेदर्स हैं चिक का ठीक है उसके फॉर्मेशन में सोनिक हेजॉब का फंक्शन है तो इस तरीके से हमने फिर देखा जो डिजिट्स होते हैं हमारे फिंगर्स यानी कि जो हम लोग बनाते हैं ठीक है डेवलपमेंट के टाइम पे हमारी बॉडी जब डेवलप होती है तो जो फिंगर्स का फॉर्मेशन होता है उसमें जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पिंकी और जो थंब होता है ठीक है इसके एक्सिस फॉर्मेशन में कि किधर पोस्टीरियर बनेगा और किधर इंटीरियर बनेगा दैट मीन्स किधर थंब बनेगा और किधर जो पिंकी है वो बनेगी ठीक है तो इसके इंटीरियर और पोस्टीरियर फॉर्मेशन में भी जो हमारा सोनिक जाक है उसका यहाँ पे फंक्शन हमको दिखाई देता है तो इतना हम लो, हम लोगों ने क्या किया था समझ लिया था ठीक है अब हमें वन बाय वन इसके बारे में पढ़ना है कि जो हैजॉक है वो कैसे बनता है वो कैसे सिक्रीट होता है देन उसके बाद सिक्रीशन के बाद उसकी सिग्नलिंग क्या है और सिग्नलिंग होने के बाद उसका क्या फंक्शन है तो इस पैटर्न पे हमको क्या करना है ये सिग्नलिंग हमें स्टडी करनी है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करते हैं की तो एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनमिना है अभी तक सी एस आई आर में इस यहां से क्वेश्चन को पिकअप नहीं किया गया है लेकिन अब वो इस क्वेश्चन को भी यहां से पिकअप कर सकते हैं ठीक है थीके? इस पार्ट को भी वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन रख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं है, तो जब से जैसे आपको पता है कि हेजॉक एक पैराक्राइन फैक्टर है ठीक है जो लोग आज पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो जान ले पैराक्राइन फैक्टर्स जो नेबरिंग सेल्स होते हैं वो सेक्रेट करते हैं ठीक है सिग्नलिंग के बारे में हमने स्टार्टिंग में एक आइडिया लिया था तीन टाइप की सिग्नलिंग उसमें से हम दूसरी जो सिग्नलिंग है नेबरिंग सिग्नलिंग जिसको बोलते हैं ठीक है सेल टू सेल सिग्नलिंग उसको हम लोग पढ़ रहे हैं तो जो पैराक्राइन फैक्टर्स हैं ठीक है उसमें से एक फैक्टर है हेजॉक

मॉलिकुलर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पे हमें पता होता है कुछ न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स होती हैं कुछ साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन होती है जिनका फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म में होता है तो वहां पे ये चीज हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग सिंपली सिर्फ एक उनका सेक्रेशन पढ़ रहे हैं ठीक है तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं फिर क्या है ये तो इसी तरीके से क्या है जो हैजॉक कैमारे ने होता है जब वो साइटोप्लाज्म में आता है तो उसका मॉडिफिकेशन होता है ठीक है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी होता है किसी प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन में पॉइंट सबको समझ में आ रहा है ठीक है जो प्रोटीन है उसके ट्रांसपोर्टेशन में इस ट्रांसपोर्टेशन में इस मॉडिफिकेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ठीक है थीके? अब देखिए यहां पे ट्रांसलेशन हुआ प्रोटीन बना इस प्रोटीन के बनने से यहां पे क्या हो रहा है उसके एक एन टर्मिनल और सी टर्मिनल जो है वो एक्सपोज होने लगता है इसमें एक स्टेप आती है जिसका नाम है ऑटोप्रोटिक क्लीवेज ठीक है आपको यहां पे नजर आ रहा होगा क्लीवेज 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 क्या है ये एक टाइप का क्लीवेज है जो सेल्फ क्लीवेज होता है दैट मीनस इसमें हमें किसी बाहरी प्रोटीस की जरूरत नहीं पड़ती है किसी एक्सटर्नल प्रोटीन की जरूरत नहीं है वो प्रोटीन खुद ही कैपेबल है अपने आप के पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करने में तो जो सी टर्मिनल होता है वो सी टर्मिनल अपने आप को ऑटोप्रोटेलिटी क्लीवेज में ले जाता है और वो क्या करता है अपने इस सी टर्मिनल को कट करके बाहर की तरफ निकाल देता है वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है और डिग्रेड हो जाता है तो इस तरीके से जो सी टर्मिनल है वो क्या हो गया डिग्रेड हो गया ठीक है मैं इसको और क्लियर लिख देता हूं तो सी टर्मिनल का यहां पे डिग्रेडेशन हो जाएगा आफ्टर ऑटो प्रोटेलिटी क्लीवेज तो ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है ठीक है अब इसमें क्या चीज हो रहा है नेक्स्ट जैसे ही क्लीवेज हुआ इस क्लीवेज होने से जो एन टर्मिनल है ठीक है एन टर्मिनल वो एक्सपोज हो जाता है ठीक है वो एनवायरमेंट में एक्सपोज हो जाता है और इस सी टर्मिनल के हटते ही इस एन टर्मिनल के पास सिग्नल सीक्वेंस होता है यह सिग्नल सीक्वेंस हेल्प करता है इस प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन में यह सिग्नल सीक्वेंस हेल्प करता है इस प्रोटीन के मॉडिफिकेशन में ठीक है मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है तो यह मॉडिफिकेशन होता है इसके प्रोटीन के एंड पे एक cholesterol जो कोलेस्ट्रॉलोए होती है ठीक है उसके यहां पे लगने के तो क्या हो रहा है यहां पे एक कोलेस्ट्रॉल मोएटीज है वो क्या करती है इस एंड टर्मिनल पे आके बाइंड हो जाती है ठीक है यह पॉइंट सबको समझ में आ रहा है तो जो थ्री सी टर्मिनल है वो यहाँ पे किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो रहा है सिग्नलिंग में वो यहाँ से रिमूव हो जाता है और वो डिग्रेड हो जाता है जो एन टर्मिनल है यानी कि जो अमाइनो टर्मिनल है ठीक है इस मॉलिक्यूल का वो सिक्रीशन में हेल्प करता है ठीक है लेकिन सिक्रीशन की जरूरत क्यों है क्योंकि सिक्रीसन होके ही ये है जो क्या है बाहर की तरफ जाएगा और सेल से बाइंड करेगा लेकिन इसके ट्रांसपोर्टेशन में एक और चीज की जरूरत है जिसको हमने नाम दिया जो कोलेस्ट्रॉल है ठीक है जो कोलेस्ट्रॉल की बाइंडिंग है वो तो कोलेस्ट्रॉल की बाइंडिंग के बिना ये जो एन जो प्रोटीन है ये आगे की तरफ बढ़ेगा नहीं तो यहां पे क्या हो रहा है कोलेस्ट्रॉल ठीक है और एक पामिटिक एसिड की टेल वो क्या होते हैं ये इस हेज ऑफ प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाते हैं ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है ठीक है तो यहां पे कोलेस्ट्रॉल और पामिटिक एसिड का क्या हो रहा है बाइंडिंग हो रही है कब ऐसा हो रहा है जब सी टर्मिनल क्लीवेज में जा रहा है और एन टर्मिनल एक्सपोज हो रहा है उस एन टर्मिनल पे ऐसे सिग्नल सीक्वेंस होते हैं जिनकी वजह से ये मॉडिफिकेशन हो पाता है तो ये पॉइंट आपको यहां पे याद रखना है ठीक है, so, सो यहां पे क्या है इस कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है ये हमें जानना है तो ये कोलेस्ट्रॉल है ये कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन से फ्यूजन में तो ये पॉइंट में आया जो कोलेस्ट्रॉल है कोलेस्ट्रॉल हेल्प इन फ्यूजन विद और ऐसा कह सकते हैं इंट्रैक्शन विद ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ठीक है ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होती है ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का नाम है हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए डिस्पैच ठीक है ये डिस्पैच प्रोटीन के साथ क्या करता है बाइंड करता है और इसी के साथ इसका सर्कुलाइजेशन हो जाता है उस में और धीरे धीरे ये ट्रांसपोर्ट होने लगता है प्लाज्मा uh, की तरफ ठीक है अब प्लाज्मा में सॉरी जो बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेल्यूर मैट्रिक्स की तरफ तो एक्स्ट्रा सेल्यूर की तरफ ये जब जाता है तो वहां पे ये अलग अलग मोनोमर्स में ये क्या होने लगते हैं ट्रांसपोर्ट होने लगते हैं ठीक है तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो है वो कोलेस्ट्रॉल और पामिटिक एसिड के बाइंडिंग के साथ ही वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद जो मेम्ब्रेनस प्रोटीन है डिस्पैच उससे बाइंड करता है और ये डिस्पैच एक तरीके हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टर है जो इसको बाहर की तरफ क्या कर देता है भेज देता है और वहां पे ये एज अ मोनोमर्स के फॉर्म में सीक्रिट होते हैं ठीक है तो ये पॉइंट आपको याद रखना है नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है जो कोलेस्ट्रॉल है ठीक है ये कोलेस्ट्रॉल और पामिटिक एसिड ये जरूरी होते हैं मल्टीमेरिक असेंबली के लिए ठीक है जैसे कि इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं कुछ मोनोमर्स के फॉर्म में सिक्रीट हो रहे हैं कुछ मल्टीमर्स के फॉर्म में सिक्रीट हो रहे हैं कुछ लिपोप्रोटीन असेंबली के मॉडिफिकेशन के साथ सिक्रीट हो रहे हैं और कुछ एक्सोवेसिकल्स के फॉर्म में सिक्रीट हो रहे हैं ठीक है तो सभी का अपना अपना एक फंक्शन होता है और सभी जो है वो कहीं ना कहीं कैसे भी फॉर्म में जाए लेकिन उनका जो मेन फंक्शन है वो डेवलपमेंट को ही इनहेंस करना है ठीक है तो इस तरीके से हैजॉक का यहाँ पे क्या हो रहा है सिक्रेशन हो रहा है तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कभी कभी अभी तक तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया लेकिन अगर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये याद रखना है कि वो कौन से दो मॉडिफिकेशन है ठीक है जिसकी वजह से इस प्रोटीन का सिक्रेशन हो रहा है ठीक है तो वो दो प्रोटीन को, वो दो मॉडिफिकेशन क्या है पहला तो ऑटो प्रोटीलिटिकलीवेस जिसमें सी टर्मिनल ही इन्वॉल्व होता है ठीक है और दूसरा मॉडिफिकेशन क्या है वो है पामिटिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल मोइटीज़ का वहां पे बाइंड होना ठीक है तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है सभी लोगों को चलिए तो आप लोग को ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अब नेक्स्ट क्या हो सकता है तो हैजॉक का सिक्रेशन हमने यहाँ पे समझ लिया अब हमें देखना है कि जो हमारे हैजॉक पाथवे है वो क्या चीज हो सकता है ठीक है तो हैजॉक पाथवे हमें पढ़ना है यहाँ पे किस एक तरीके से जो हैजॉक प्रोटीन है वो यहाँ पे क्या हो रही है वो कैसे इन्वॉल्व हो रही है हमारे डेवलपमेंटल पाथवे में ठीक है तो वो हमें यहां पे देखना होगा तो उसके लिए हम लोग चलते हैं अपने नोट पर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं जो हैजॉक पाथवे है ठीक है थीके? The Hedgehog signaling. चलिए ठीक है तो व्हाट इज द हेज ऑफ सिग्नलिंग सबसे पहले तो हमें यहां पे एक कॉमन हेज ऑफ पाथवे के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। वो हमें यहाँ पे आइडिया देगी कि जो सिग्नलिंग है उसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं तो हर एक सिग्नलिंग में कुछ चीजें कॉमन होती हैं तो हम जितनी भी सिग्नलिंग पढ़ेंगे वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें बार बार जो नाम है वो हमें सामने आएंगे ठीक है तो उसमें से जैसे सबसे पहला है रिसेप्टर ठीक है आपसे पूछा जाएगा हेजॉक सिग्नलिंग का रिसेप्टर क्या है फिर आपसे पूछा जाएगा सिग्नल ट्रांसड्यूसर क्या है सिग्नल ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है कि जो एज अ सेकेंडरी मैसेजर के तरीके वो क्या करेगा आगे मैसेज को पहुंचाएगा सिग्नल को ट्रांसड्यूस करेगा ठीक है फिर आपसे पूछा जाएगा कि किसी सिग्नलिंग में ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेसर क्या है ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेसर पूछा जाएगा देन आपसे पूछा जाएगा ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर क्या है ठीक है तो ये कुछ चीजें हैं जो कॉमन होंगी हर एक सिग्नलिंग में ठीक है तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं सिग्नलिंग में जैसे ठीक है तो हेजॉक सिग्नलिंग का जो रिसेप्टर है वो हमें याद रखना है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिग्नलिंग का जो रिसेप्टर है ये आपको रिसेप्टर का नाम दे देगा और पूछेगा कि ये रिसेप्टर किस सिग्नलिंग से बिलोंग करता है तो ये पॉइंट आपको क्या रखना है याद रखना है तो ये सबको समझ में आ रहा है यहां पे किसी को कोई दिक्कत चलिए ठीक है अब यहाँ पे देखते हैं जो रिसेप्टर हैजॉक का उसका नाम है पैचड ठीक है पैच रिसेप्टर ये पॉइंट आपको याद रखना है पैच रिसेप्टर है किसका का ठीक है सिग्नल ट्रांसड्यूसर ये आपसे पूछेगा सिग्नलिंग में सिग्नल ट्रांसड्यूसर ठीक है सिग्नलिंग में कौन है तो सिग्नल ट्रांसड्यूसर इसका कौन होगा तो वो है स्मूथ यहां पे हमें पहले नाम के बारे में पता होना है बाकी चीजें हम तो बाद में सीख लेंगे ठीक है तो पैच रिसेप्टर हो गया सिग्नल ट्रांसड्यूसर क्या हो गया स्मूथ हैंड तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे ठीक है अब बात आती है ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर की तो ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर क्या होते हैं ये ऐसे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होते हैं ऐसे प्रोटीन होते हैं ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए से या तो डायरेक्ट बाइंड होते हैं या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किसी जीन्स को स्विच ऑफ करके रखने में हेल्प करते हैं ठीक है तो जिनके प्रेजेंस में कोई जीन इनएक्टिवेट हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेसर तो ये पॉइंट सबको समझ में आया ठीक है तो इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेसर है वो है हमारा सी आई प्रोटीन और ये प्रोटीन कैसा होगा ये क्लीव्ड होगा इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि व्हाट व्हाट इज इज क्लीव्ड प्रोटीन ठीक है सीआई का फुल फॉर्म है क्यूबिटस इंटरप्टस तो वो हमें इतना ज्यादा याद नहीं रखना है आपसे फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा तो बस बस आपको इतना याद रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेसर क्या है तो वो है क्लीव्ड सी आई प्रोटीन अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका एक्टिवेटर कौन है ठीक है ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर कौन है तो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर भी सी आई प्रोटीन है लेकिन ये क्लीव्ड नहीं होता है यानी कि ये पूरा जो एक फुल सी आई प्रोटीन है ठीक है जो मल्टीमेरिक प्रोटीन है वो ही पूरा इन्वॉल्व होता है जबकि जो क्लीव्ड है वो क्या होता है अपने मोनोमर्स में उसको ब्रेक कर दिया जाता है और उसका एक पार्ट ही इन्वॉल्व होता है ट्रांसक्रिप्शन के रिप्रेशन में तो उसको भी हम लोग आगे देखेंगे तो आपको इतना याद हो गया रिसेप्टर क्या है पैच रिसेप्टर सिग्नल ट्रांसड्यूसर स्मूथ एंड ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेसर क्या है सीआई प्रोटीन और ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर क्या है हमारे सीआई प्रोटीन ठीक है तो आपको बस इतना फर्क याद रखना है क्लीव्ड का चलिए तो इसमें किसी को कोई दिक्कत अभी तक चलो ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सबसे वन पॉइंट वाइज पहला पॉइंट ये है हमें ये याद रखना है कि जो कोलेस्ट्रॉल मोएटीज हैं, ठीक है थीके? जो कोलेस्ट्रॉल मोएटीज लगे हैं ये कोलेस्ट्रॉल मोइटीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि पीछे हमने देखा कि कैसे ये ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हो रहे थे ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रांसपोर्टेशन बिना कोलेस्ट्रॉल मोएटिस के ऑफ जो प्रोटीन है ये कभी भी एक्स्ट्रा सेलुलर में नहीं आ पाएंगे क्योंकि ये सेल से ही बाहर नहीं आएंगे इनका मॉडिफिकेशन नहीं होगा तो आगे ये कि किसी भी सिग्नलिंग में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे ठीक तो है तो कोलेस्ट्रोलोइटी किस लिए इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ये पॉइंट आपको यहां पे याद रखना है ठीक है अब नेक्स्ट क्या चीज हो सकती है नेक्स्ट चीज ये है कि जो हैजो प्रोटीन है इसके अब्सेंस में क्या हो रहा है और इसके प्रेजेंस में क्या हो रहा है हमें यह चीज देखनी है ठीक है अगर प्रेजेंट है तो किसी सिग्नलिंग पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और अगर अब प्रेजेंट है है तो उसकी सिग्नलिंग पे क्या इफेक्ट पड़ रहा ठीक है थीके? तो अब्सेंस और प्रेजेंस ये दोनों हमें क्या करना है यहां पे देखना है तो चलिए हम लोग वन बाई वन पहले एक ओवरऑल जो हमारा सिग्नलिंग है ठीक है उसको हम लोग यहां पे देख लेते हैं कि कैसे काम करती है ये सिग्नलिंग तो जाहिर सी बात है हर एक सिग्नलिंग का अपना एक रिसेप्टर होगा तो जैसे हमने यहाँ पे बोला कि जो हमारा जो हमारा हेजॉक है, 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 है इसका जो रिसेप्टर है वो क्या है पैच रिसेप्टर ठीक है तो होता क्या है इन द प्रेजेंस ऑफ इन द अब्सेंस ऑफ सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन द अब्सेंस ऑफ हैज प्रोटीन ठीक है इसके अब्सेंस में क्या हो रहा है ये हमें देखना है सबसे पहले तो तो होता क्या है यहां पे मैं एक यहां पे सिंगलिंग बना रहा हूं ये हमारी ट्रांस मेम्ब्रेन है ठीक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एक रिसेप्टर लगा होता है ठीक है जिसको हमने नाम दिया पैच रिसेप्टर ठीक है ये रिसेप्टर मेम्ब्रेनस होता है मेम्ब्रेन ठीक है हम लोग पढ़ चुके हैं ये हम लोग सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं व्हाट इज ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करते हैं पेनिट्रेट करते हैं इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन और लगा होता है जिसको हम लोग बोलते है, स्मूथ हैं स्मूथ हैंड ठीक है तो ये हमारा हेड प्रोटीन हो गया जो इसके साथ बाइंड रहता है ठीक है तो मैं यहाँ पे लेबलिंग कर देता हूं जो हमारा रिसेप्टर है जो पिंक कलर का है ये है हमारा पैच रिसेप्टर और जो ग्रीन कलर का हमें नजर आ रहा है ये है हमारा स्मूथ ठीक है अब यहां पे हमें इन द एब्सेंस ऑफ हैजॉक प्रोटीन के बारे में देखना है तो जब तक हैजॉक प्रोटीन नहीं रहता है तो ये जो पैच रिसेप्टर है ये क्या होता है ये एक्टिवेट रहता है ठीक है ये एक्टिवेट रहता है इन द एब्सेंस ऑफ हेजॉक प्रोटीन और एक्टिवेटेड फॉर्म में ये हमेशा स्मूथन प्रोटीन को इनिबिट करके रखता है तो ये पॉइंट समझ में आया क्या कर रहा है ये इनिबिट ये करके रख रहा है ठीक है तो यहां पे मैं लिख देता हूं इनहिबिट स्मूथ ये पॉइंट समझ में आया ठीक है तो इन एब्सेंस ऑफ हेजॉक प्रोटीन पैच रिसेप्टर इनिबिट स्मूथ ठीक है अब क्या हो रहा है एक तरफ तो ये इनिबिट हो गया लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है अब हमें आना है साइटोप्लाज्म यानी कि जो सेल यानी कि जो रिस्पॉन्डिंग सेल है उसके साइटोप्लाज्म हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्योंकि उसी सेल के बारे में हमें स्टडी करनी है ठीक है अब क्या हो रहा है यहां पे तो जब स्मूथ एंड प्रोटीन इनहिबिट रहेगा तो साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे प्रोटीन हैं जो एक्टिवेट रहेंगे और वो प्रोटीन इस सिग्नलिंग को ऑफ करके रखे रहते हैं ठीक है उसमें से पहला प्रोटीन है प्रोटीन काइनेज ए पी के ए प्रोटीन काइनेज ए क्या होता है जो फास्फोराइलेशन करता है ठीक है इसी के साथ में दूसरा प्रोटीन होता है जिसका नाम है स्लिम ठीक है ये दोनों प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट इस हेजॉक सिग्नलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या करते हैं ये दोनों ही सिग्नलिंग दोनों ही काइनेज मॉलिक्यूल हेजॉक काजॉक में इस हेजॉक सिग्नलिंग को ऑफ करके रखते हैं अब ऑफ कैसे करेंगे तो ऑफ करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर का, का काम कर रहे हैं या हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये ट्रांसक्रिप्शन को दबा के रख रहे हैं उसको सप्रेस करके रख रहे हैं ठीक है ये कैसे कर रहे हैं तो so, साइटोप्लाज्म में कुछ माइक्रोटिब्यूल्स होते हैं हम लोग को पता है सपोज दीज आर माइक्रोटिब्यूल्स ठीक है ये पॉइंट हमें आया ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स इस माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ कुछ प्रोटीन बाइंड रहते हैं तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है ठीक है वो दो प्रोटीन है कॉज ठीक है कॉज टू एंड फ्यूज ठीक है इस माइक्रोटिब्यूल्स के साथ दो प्रोटीन बाइंड रहते हैं जिनका नाम है ये आपको याद रखना है क्योंकि जब भी डेवलपमेंटल सिग्नलिंग आएगी ये आपसे पूछा जाएगा ठीक है चलिए अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया हर एक सिग्नलिंग का एक ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर होता है और एक ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर होता है तो यहां पे हमने देखा पीके ए जो है ये एक तरीके के ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर है ठीक है कॉस टू फ्यूज टू ये भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस करके रखने में लेकिन जो रियल रिप्रेसर होता है वो होता है सी आई प्रोटीन क्यूबिटस इंट्रप्टस ये क्यूबिटस इंट्रप्टस यानी कि सीआई प्रोटीन कहाँ बाइंड रहता है तो जो कॉस टू और फ्यूज प्रोटीन है ये दोनों प्रोटीन सी आई प्रोटीन को पकड़ के रखते हैं ठीक है ये क्या करके रख रहे हैं सीआई प्रोटीन को पकड़ के रख रहे हैं उसके साथ बाइंड है जब तक ये कॉस टू और फ्यूज टू सीआई प्रोटीन के साथ बाइंड रहते हैं तब तक जो पीके ए प्रोटीन और स्लिम प्रोटीन है ये दोनों मिलके इस सी प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन करते रहते हैं ठीक है फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं इस फॉस्फोराइलेशन के कारण सीआई प्रोटीन जो है वो क्लीव हो जाती है उसका क्लीवेज कर दिया जाता है और वो इस तरीके से क्लीव होती है कि उसका एक पार्ट एज अ रिप्रेसर के तरीके वर्क करने लगता है पॉइंट में आया ठीक है और ये जो क्लीव्ड पार्ट होता है ये हमारे न्यूक्लियस में एंटर करता है ठीक है और वहां पे जो डीएनए है ठीक है उस डीएनए पे जाके उसके पर्टिकुलर जीन पे बाइंड करके उसको सप्रेस कर देता है यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन है ठीक है उसको ऑफ कर देता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ठीक है तो यहां पे मैं इसको और करेक्ट बना देता हूं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो कुछ इस तरीके से ठीक है तो इस तरीके से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या हो रहा है वो ऑफ हो रहा है इसमें किसी को कोई डाउट इसको समझने में तो ये एक तरीके का यहां पे क्या वर्क कर रहा है रिप्रेसर का ये सभी को समझ में आ रहा है ओके ठीक है जी समीमा जी जो आपने एक, जी एल आई का जो बताया है वो भी मैं बताऊंगा अभी वो जी एल आई कहा आता है ठीक है हर एक प्रोटीन का अपना अपना एक इन्वॉल्वमेंट है तो ये जो हम लोग सिग्नलिंग देख रहे हैं ये जर्नल सिग्नलिंग है जो हमारे ड्रोसोफिला है ठीक है उसमें इन्वॉल्व होती है ठीक है तो जो ड्रोसोफिला है उसमें हमको पी के ए स्लेम कॉस्टू और फ्यूज जैसे प्रोटीन के बारे में सुनने को मिलता है जब हम वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो वर्टिब्रेट में जो सीआई प्रोटीन है उसकी जगह ग्ली प्रोटीन आ जाता है यानी कि जी एल आई ये दोनों ही आपस में होमोलॉग ठीक है चलिए अब हम लोग बात करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ है प्रोटीन तो हमारा सेकेंड अब आता है कि जब हैजॉग प्रोटीन क्या है प्रेजेंट है प्रेजेंट ऑफ प्रोटीन ठीक है तो अब यहां पे हम क्या बात करने जा रहे हैं कि हेजॉक जब आके बाइंड करेगा तो अब हम यहां पे लेते हैं हेजॉक है हैजॉक प्रोटीन हमारा लाइगेंड है जिसके साथ हमें देखना है कि उसका इफेक्ट क्या हो रहा है ठीक है तो ये हमारा हेजॉक है प्रोटीन है जॉक प्रोटीन आके बाइंड करेगा हमारे पैच रिसेप्टर से ठीक है यह हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो जब हेजॉक प्रोटीन जैसे ही हमारे पैच रिसेप्टर से बाइंड करेगा इस पैच रिसेप्टर के जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन है इस साइटोप्लाज्मिक डोमेन में कुछ चेंजेस आते हैं ठीक है और उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है ओरिएंटेशन चेंज होने के कारण जो स्मूथ प्रोटीन है वो क्या हो जाता है वो रिलीज हो जाता है ठीक है तो यहां पे मैं स्मूथ प्रोटीन के बारे में भी बना देता हूं सपोज़ ये हमारा स्मूथ प्रोटीन है और स्मूथ रिलीज़ होते ही एक सिग्नल कास्केड होना शुरू हो जाता है यानी कि हेजॉक बाइंड हुआ और हेजॉक के बाइंड होते ही पैच रिसेप्टर इनबिट हो गया ठीक है पैच रिसेप्टर इनबिट हो गया उसका साइटोप्लाज्मिक डोमेन क्या हो गया हट गया और उसके हटते ही उसका ओरिएंटेशन चेंज होते ही जो हमारा स्मूथ एंड प्रोटीन है वो आजाद हो जाता है उसकी पकड़ से और वो एक तरीके का काइनेज की तरीके वर्क करने लगता है वो एक तरीके का काइनेज बन जाता है हम क्या ऐसा अभी तक डेवलपमेंट में स्टडी हुई है कि जो स्मूथ एंड प्रोटीन है वो एक तरीके का काइनेज है दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं फास्टोराइजेशन में हेल्प करता है ठीक है तो ये क्या करने लगता है जो पीके ये प्रोटीन है और जो स्लिम प्रोटीन है ठीक है इन दोनों को वो क्या कर देता है इनहिबिट कर देता है तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ऐसा कब हो रहा है ऐसा तब हो रहा है जब स्मूथ एंड प्रोटीन क्या हो रहा है एक्टिवेट हो रहा है ठीक है अब दूसरी तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो माइक्रो ट्यूब्यूल था और इस माइक्रो ट्यूब्यूल से बाइंड हमारे दो प्रोटीन कॉस टू और Confused. ये तो एक्टिवेट रहते हैं जब तक हैजॉक प्रोटीन नहीं रहता लेकिन प्रोटीन के बाइंड करते ही जो स्मूथन प्रोटीन है वो क्या करता है प्रोबेबली ऐसा देखा गया है वो भी इनका फास्फोराइलेशन कर देता है और फास्फोराइलेशन होते ही फॉस्फोराइलेसन होते ही जो सीआई प्रोटीन है वो क्या हो जाता है वो इनकी पकड़ से आजाद हो जाता है अब ये सीआई प्रोटीन प्यूज और कॉस्टो की पकड़ से आजाद हो गया जिसकी वजह से पीके और स्लिम इसका फास्फोराइलेशन नहीं कर सकते और दूसरा कारण ये भी है कि जो स्मूथ प्रोटीन है वो ऑलरेडी पीके और स्लिम को इनिबिट करके रखे हुए हैं अब सीआईए जो सॉरी सी आई है वो क्या है वो फुली एक्टिवेट हो गया है क्योंकि उसका क्लीवेज नहीं हुआ और एक कंप्लीट सी आई प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है ठीक है और न्यूक्लियस में ये जो सी आई प्रोटीन है पूरा का पूरा कंप्लीट जाके डीएनए के साथ बाइंड कर जाता है और यहां पे ये एज अ ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर के तरीके काम करता है और इसके बाइंड करते ही जो पर्टिकुलर जीन है उसका एक्सप्रेशन यहाँ पे होना शुरू हो जाता है ठीक है तो ये पॉइंट आपको समझ में आया यहाँ पे क्या हो रहा है प्रेजेंट में बाइंड बाइंड किया के करते ही जो पैच रिसेप्टर है वो क्या हो गया वो पूरी तरीके से यहाँ पे चेंज हो गया उसका जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन है वो उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है और वो स्मूथह को एक्टिव स्मूथ को रिलीज कर देता है ठीक है स्मूथन के रिलीज होते ही स्मूथन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो पी के ए और स्लिम को इनिबिट करता है और दूसरी तरफ कॉस टू और फ्यूज को भी क्या करने लगता है इनिबिट करने लगता है ठीक है उसके इनिबिट करते ही जो सीआई प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके एक्टिवेट होते ही वो न्यूक्लियस में एंटर करता है और वहां पे वो एजे ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर का काम करता है और ऐसे ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाते हैं स्टार्ट हो जाते हैं तो ये सबको पॉइंट समझ में आया यहां पे चलिए अब जो हमने यहां ये प्रोटीन पढ़े ठीक है इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन भी इन्वॉल्व होते हैं पहले तो यहां पे हमें बताइए कि आप लोग को जो ये जर्नल प्रॉपर्टी है ये आपको यहाँ पे समझ में आ रही है सचिन यादव जी देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैं आपको स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ा रहा हूँ और इतना सफिशियंट होगा हाँ अगर आप बुक्स की नॉलेज लेना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं लेकिन बुक्स से बहुत ही लेंदी हो जाता है तो हमें समझ में नहीं आता क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ठीक है तो हाँ आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन जितना मैं क्लास ले रहा हूँ उतनी सफिशियंट है आप आराम से बीस से तीस नंबर जो भी क्वेश्चन आते हैं आप आसानी से गेन कर सकते हैं ठीक है

इसके साथ में जैसे हमने जो पैच रिसेप्टर के बारे में पढ़ा इस पैच रिसेप्टर के साथ में कुछ एक्स्ट्रा रिसेप्टर भी होते हैं ठीक है वो एक्स्ट्रा रिसेप्टर्स क्या क्या है वो चीजें आपको यहाँ पे देखनी होगी तो जैसे कि आपको यहां पे ध्यान दीजिए सबसे पहले जो हमारा पैच रिसेप्टर है उसके साथ में दो रिसेप्टर और होते हैं ठीक है दो रिसेप्टर और होंगे जिसका नाम है आई हॉग एंड बी ओ आई बॉय ठीक है ये दोनों हेज हॉग की बाइंडिंग में हेल्प करते हैं तो ये को रिसेप्टर हैं आई हॉग एंड बी ओ आई ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जो फ्यूज और कॉज प्रोटीन है इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन और होते हैं इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन और होते हैं जिनका नाम होता है सूफू ये आपको याद रखना है अगर कहीं सूफू बढ़ा जाए ड्रोसोफिला में तो आई हाँ, ओ आई ठीक है और सूफू ये प्रोटीन आपको मिलेंगे किसमें ये प्रोटीन मिलेंगे आपको ड्रोसोफिला में तो ड्रोसोफिला की बात कर रहे हैं तो ड्रोसोफिला में को रिसेप्टर आई हॉग और बीओ आई यानी बॉय और जो हमारे सप्रेसर्स हैं ठीक है जो कहीं ना कहीं इस सिग्नलिंग को सप्रेस करके रखे हुए हैं वो कौन से हैं वो है सूफू कॉस्टू और फ्यूज तो ये आपको याद रखना है हालांकि यहां तक अभी इस लेवल से क्वेश्चन नहीं आया है बाकी सारे प्रोटीन एज इट इज रहते हैं ठीक है ठीके? अब अगर हम लोग बात करें जो हमारा वर्टिब्रेट सिस्टम है जो वर्टिब्रेट्स हैं उन वर्टिब्रेट की अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं तो जो वर्टिब्रेट है इन वर्टिब्रेट में जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं वो क्या है जो को रिसेप्टर्स हैं वो है हमारे गैस वन ठीक है बॉक एंड सी डी ओ हालांकि पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए तो गैस वन बॉक एंड सी डी ओ ठीक है अब हम लोग बात करें अगर सीआई प्रोटीन की तो जैसे मैंने बोला ड्रोसोफिला में सीआई है वैसे ही जो हमारा वर्टिब्रेट सिस्टम है ठीक है जो वर्टिब्रेट सिस्टम है उसमें जो ग्ली प्रोटीन होता है वो इन्वॉल्व होता है तो ग्ली प्रोटीन हमारा वर्टी सिस्टम के लिए आएगा और जो सीआई प्रोटीन है ये हमारा ड्रोसोफिला के लिए आएगा तो ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां पे ठीक है बाकी जो हमारा कॉज और फ्यूज्ड है ये और सूफू ठीक है सूफू भी कभी कभी ड्रोसोफिला में ज्यादा यूज उसको वर्ड में यूज किया गया है लेकिन ऐसा देखा गया है कि सूफू के ही होमोलॉग हमारे वर्टिब्रेड में भी पाए जाते हैं और कॉस के भी वर्टि जो होमोलॉग हैं वो हमारे वर्टिब्रेट में पाए जाते हैं ठीक है लेकिन मेन जो डिफरेंस है वो है कोरिसेप्टर का और जो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर है तो ये दो पॉइंट आपको समझ में आया यहां पे ठीक है क्या हो रहा है तो इस तरीके से हमारी जो सिग्नलिंग है ठीक है जो हमारी कह सकते हैं डब सिग्नलिंग है वो यहाँ पे आती है तो इसमें किसी को कोई डाउट अभी तक जल्दी से आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए दो मिनट में तो मैं नेक्स्ट सिग्नलिंग के बारे में आप लोग को पढ़ाऊं सचिन जी जो डेवलपमेंटल की बुक है वो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम बुक पे हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर भी बुक अवेलेबल हो जाएगी आपको ठीक है और बहुत जल्दी ही टेस्ट सीरीज भी होगी और बहुत जल्दी ही आपको सारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऑनलाइन पीडीएफ जो ऑनलाइन हम लोग क्लास ले रहे हैं इसके सारे पीडीएफ और एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स हैं ठीक है वो भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे तो जितने भी लोग हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ते रहें, सी आपके पास बहुत टाइम दे रहा है आपको तैयारी करने के लिए चलिए सभी को क्लियर है एकदम बहुत अच्छी बात है क्योंकि तो सिंगलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा तो ये पॉइंट आप लोग को यहाँ पे याद रखना है ठीक है कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रही हैं तो इसी के साथ में और भी इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो हमारी आ, जो हैजॉक सिग्नलिंग है उसका अगर हम लोग डिफेक्टिव देखें ठीक है वहां पे म्यूटेशन स्टडी करें तो म्यूटेशन के स्टडी करने पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं क्या क्या चीजें आ सकती हैं वो सारी चीजें क्या होता है पूछा जाता है तो वो हमें यहाँ पे क्या करना है याद रखना है तो वो वन बाय वन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ठीक है चलिए तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं आगे जो फंक्शन है मेनली जो आपसे पूछा जाएगा सीएसआईआर आर में वो है फंक्शन वॉट इज द फंक्शन फंक्शन ऑफ हेजॉक फंक्शन ऑफ हेजॉक प्रोटीन ठीक है तो ये पॉइंट सभी को समझ में आ रहा है यहां पे फंक्शन क्या हो सकता है तो फंक्शन में जाहिर सी बात है जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया जो तीन पॉइंट आपको इंडियन हैजॉक ठीक है सोनिक हैजॉक और डिजर्ट हैजॉक वही फंक्शन कहीं ना कहीं यहां पे हमारे सामने आएंगे ठीक है चलिए तो पहला जो हमारा फंक्शन है वो क्या है तो पहला फंक्शन है हमारा जो लिम पैटर्निंग होती है लिम का डेवलपमेंट हो गया लेकिन उसकी जो पैटर्निंग है दैट मीन्स एक्सिस फॉर्मेशन किधर की तरफ थंब बनेगा किधर की तरफ पिंकीज बनेगी किधर की तरफ हमारा जो प्रॉक्सिमल है कि डिजिटल है तो वो जो पैटर्निंग होती है ठीक है वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रेट लिम पैटर्न ठीक है जो पैटर्निंग है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हेजॉक प्रोटीन उसके बाद आता है न्यूरल डिफ्रेंशिएशन न्यूरल डिफ्रेंशिएशन ये आपको याद रखना है न्यूरल डिफ्रेंशिएशन जो एक्जॉन्स होते हैं उनके पाथ फाइंडिंग के लिए ठीक है वो इन्वॉल्व होता है तो न्यूरल डिफ्रेंशिएशन हो गया रेटिनल एंड पैंक्रियाज डेवलपमेंट ठीक है रेटिनल एंड पैंक्रियाज डेवलपमेंट आपको ये याद रखना है ठीक है ये पॉइंट आपको याद रखना है देन उसके बाद और क्या हो सकता है जो क्रेनोफेसियल जो हमारा आ, कह सकते हैं अरेंजमेंट है ठीक है क्रेनोफेसियल अरेंजमेंट उसके बारे में हम लोग यहां पे देखते हैं ठीक है क्रेनोफेसियल अरेंजमेंट यानी कि जो हमारा फेशियल स्ट्रक्चर है ठीक है जो फेशियल स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है जैसे हमारी दो आंखें हैं बीच में हमारी नोज बन रही है माउथ है इसका एक पैटर्न है ये पैटर्न बनाने का कि कैसे ये पैटर्न बन रहा है वो चीजें हम लोग हेजॉक के प्रेजेंस में ही कर पाते हैं अगर हमारा फेशियल डिस्टर्बेंस हो रहा है किसी एक जो बेबी बॉर्न हो रहा है उसका फेशियल डिस्टर्बेंस आया तो समझ जाइएगा कि कहना कि जो हैजॉक प्रोटीन है उसके बनने के कहीं ना कहीं डिफेक्ट आ गया होगा तभी उसका जो फेशियल जो अरेंजमेंट है वो कहीं ना कहीं क्या हो गया डिस्टर्ब हो गया ठीक है तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा सभी लोग ठीक है तो ये सभी को यहां पे समझ में आ रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तो क्राइनोफेशियल अरेंजमेंट हो गया ठीक है और क्या हो सकता है इसके बाद जो आई फॉर्मेशन है ठीक है यानी कि आई का अरेंजमेंट यहाँ पे आई फॉर्मेशन हम लोग वो वाला नहीं पढ़ रहे जो हमने पैक्सिक्स के बारे में लिखा आई का अरेंजमेंट ठीक है आई अरेंजमेंट यानी कि जो क्रेनोफेसियल है उसी से रिलेट कर रहा है ये हमारा आई का अरेंजमेंट ठीक है आई का बनना ही बहुत जरूरी है हमारे इस हेजॉक प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए ठीक है सॉरी जो का प्रोटीन है उसका सिंथेसिस होना हमारे आई के अरेंजमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं म्यूटेशन देखते हैं जो म्यूटेशन है कैसे हो रहा है ठीक है म्यूटेशन अगर हम जो हैजॉक प्रोटीन है उसको हम म्यूटेट कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ठीक है ये मेरा पीछे लिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूं ठीक है अब आप लोगों को क्लियर विजुलाइज होगा तो म्यूटेशन अगर हम कर दें तो वट इज इफेक्ट ऑफ हेज ऑफ प्रोटीन आफ्टर म्यूटेशन तो अगर हम यहां पे जो सोनिक प्रोटीन है ठीक है उसका हम डबल म्यूटेशन कर दें डबल म्यूटेशन का मतलब होता है कि दोनों ही क्रोमोसोम्स के ऊपर से हम सोनिक हेज ऑफ प्रोटीन को हम हटा दें सपोज ये हमारा एक क्रोमोसोम है और एक पेरेंटल ओरिजिन क्रोमोसोम है दोनों के ऊपर सोनिक हेजोग का जीन लगा हुआ है ठीक है और इन दोनों से हम क्या कर दें इस प्रोटीन को हम रिमूव कर दें इस जीन को हम रिमूव कर दें तो इससे क्या होगा ये होमोज़ाइगस डबल म्यूटेशन कहलाएगा और दोनों ही क्रोमोसोम से अब सोनिक हेजोग प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो नहीं हो पाएगा ठीक है तो डबल म्यूटेशन होगा यहां पे तो डबल म्यूटेशन हो रहा है डबल म्यूटेशन ऑफ स्टोनिक हैजॉक ठीक है इससे क्या होगा इससे कुछ एबनॉर्मेलिटीज आएंगी ये एबनॉर्मेलिटीज आपको याद रखनी है जैसे पहली एबनॉर्मेलिटीज इन माउस लिम एंड फेशियल एबनॉर्मलिटीज जैसा कि आपने देखा कि जो फेशियल अरेंजमेंट है ठीक है वो डिस्टर्ब कर जाएगा एबनॉर्मलिटीज ठीक है जो मिड लाइन होती है फेस की यानी कि जो हमारा एकदम सही से एक्सिस बनाता है किधर से राइट right बनेगी किधर से लेफ्ट आईज बनेगी किधर हमारा जो नोज का अरेंजमेंट है माउथ है ठीक है ये सारी चीजें तो जब मिड लाइन जो होगी द मिड लाइन ऑफ द फेस ठीक है होगी वो रिड्यूस कर जाएगी ये आपको याद रखना है द मिड लाइन ऑफ रिड्यूसेस। ठीक है जैसे ये रिड्यूस करेगी इससे एक एब फॉर्म होगी जिसको हम बोलते हैं साइक्लोपिया ये पॉइंट आपको याद रखना है साइक्लोपिया आपसे पूछा जाएगा साइक्लोपिया डिसीज व्हाट इज साइक्लोपिया तो जो साइक्लोपिया होता है इसका मतलब होता है सिंगल आई फॉर्मेशन सिंगल आई फॉर्मेशन ठीक है इन मिडिल इन मिडिल ऑफ द फेस यानी कि एक आंख जो होगी वो हमारे जस्ट बीच में ठीक है वहां पे फॉर्म होगी और ऐसी कंडीशन जो है उसको हम लोग बोलेंगे साइक्लोपिया ये बहुत ही फेमस डिसीज है ठीक है इसको आपको याद रखना है जैसे ये हमारा फेस हो गया ठीक है तो वहां पे बीच में ही एक आंख क्या होगी वो हमें नजर आएगी कुछ इस तरीके से ठीक है तो इसको हम लोग बोलेंगे साइक्लोपिया ये एक हाइपोथेटिकल वर्ड है माइथोलॉजिकल वर्ड है ठीक है साइक्लोप एक कहानियों में एक ऐसे इंसान हुआ करते थे जिनकी बीच में एक आंख हुआ करती थी तो वहां से बढ़ लिया गया है साइक्लोपिया ठीक है तो इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोपिया डिफेक्ट तो ये कब हो रहा है जब सोनिक हेजॉक तो ये पॉइंट याद रखना है आपको ये कब हो रहा है सोनिक हेजहॉक म्यूटेशन में ठीक है ये पॉइंट आपको याद रखना है तो पहला हो गया हमारा डबल म्यूटेशन ऑफ सोनिक हेजॉक Leads to cyclopia. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कुछ ऐसे टेर होते हैं जिनकी वजह से उन की वजह से जो हैजॉक सिग्नलिंग है वो डिफेक्ट कर जाती है ठीक है टेरोटोजेंस के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा इसकी मैं अलग से क्लास लूंगा बस इतना जान लीजिए कि ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बर्थ के डेवलपमेंट में ठीक है जो बर्थ के डेवलपमेंट होता है यानी कि जो बर्थ हो रही है उसमें जो न्यू नेटल्स हैं जो इन्फेंट्स हैं इम्ब्रियो है उसके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं ये डिफेक्ट कॉज करने लगते हैं डेवलपमेंटल डिफेक्ट ठीक है defect, जो डेवलपमेंटल डिफेक्ट कॉज करने के लिए टेरोटोजेंस होते हैं तो वर्टिब्रेट में कुछ ऐसे प्लांट ऑरिजिन एल्केट्स होते हैं जिनका नाम है जरविंद ठीक है एंड साइक्लोपेमिन साइक्लोपामीन ये क्या है ये एल्केलॉइड्स हैं प्लांट ऑरिजिन प्लांट ऑरिजिन है ये ठीक है और अगर हम प्लांट की भी बात करें तो जो प्लांट है वो है वेराट्रम कैलिफोर्निया कैलिफोर्निकम कैलिफोर्निकम ठीक है वेराट्रम कैलिफोर्निकम उससे एक मिला है ये कैरोटोजेंस है वर्टिब्र, जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके लिए ठीक है और उनमें ये स्मूथहेंड का जो स्मूथहेंड रिसेप्टर है ठीक है जो सिग्नल ट्रांसड्यूसर है उसको ये इनिबिट कर देते हैं और उसको इनिबिट करने पे ये क्या कर दे रहे हैं ये जो पाथ पे है उसको पूरी तरीके से सप्रेस कर दे रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हम हम लोग ठीक है दूसरा कुछ लेटर डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट जब हो जाता है न्यूनेटल का वो जब बड़े होने लगते हैं तब इनका अगर हम म्यूटेशन कर दें या वहां पे इनका इफेक्ट देखे तो क्या होगा जैसे फेदर डेवलपमेंट ठीक है तो फेदर डेवलपमेंट में इनका डिफेक्ट नजर आता है फैदर किसमें होगा जो इम्रियो होते हैं चिक इम्रियो उसमें ठीक है हेयर फॉर्मेशन हेयर फॉर्मेशन इन मैमल्स ये आपको याद रखना है ठीक है अगर हम जो रिसेप्टर है यानी कि जो पैच रिसेप्टर है ठीक है उसमें अगर हम लोग म्यूटेशन कर दें म्यूटेशन इन पैच रिसेप्टर म्यूटेशन इन पैच रिसेप्टर तो इससे क्या होगा इससे एक ट्यूमर कॉज होता है ठीक है किसका वो है बेसल सेल लेयर ऑफ एपिडर्मिस ठीक है ट्यूमर ऑफ बेसल सेल लेयर ऑफ एपिडर्मिस ये ट्यूमर कॉज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा बी सी सी यह पॉइंट आपको याद रखना है अगर आपसे कभी दो नंबर में पूछा जाएगा एक हेरिटेबल म्यूटेशन होता है ठीक है हेरिटेबल म्यूटेशन डेट मीन जो जेनेटिक है वो आगे ट्रांसफर किया जा सकता है अगर हम पैच में कर दें जो हमारा पैच रिसेप्टर है तो हेरिटेबल म्यूटेशन ऑफ पैच रिसेप्टर ये होता है जब हमारा जो ऑटोसोमल जीन्स होते हैं ठीक है ये एक रेयर डिसीज है ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो जो ऑटोसोमल जीन्स हैं उनमें यह कहीं ना कहीं डिफेक्ट देखा गया है तो रेयर ऑटोसोम डॉमिनेंट यह ये ये डिफेक्ट है ठीक है यह डिसीज है जिसकी वजह से बेसल सेल नर्वस सिंड्रोम यह कॉज हो जाता है ठीक है इसके सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे फिंगर्स हैं ठीक है वो फ्यूज होते हैं फ्यूज फिंगर्स जो रिप्स हैं और जो फेस्टियल्स हैं उनके अब नॉर्मलिटीज आती है ये पॉइंट आपको याद रखना है ठीक है और जो मल्टीपल उसमें मेलीगेंट ट्यूमर फॉर्म होने लगते हैं मेलीगेंट ट्यूमर फॉर्मेशन तो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि अगर हम बात करें फंक्शन की ठीक है तो फंक्शंस की अब यहां पे आप देख सकते हैं क्या क्या पहले तो फंक्शन है तो वर्टिब्रेट के लिम पैटर्निंग न्यूरल डिफ्रेंशिएशन रेटिनल एंड पैंक्रियाज डेवलपमेंट अरेंजमेंट आई अरेंजमेंट ठीक है अगर हम म्यूटेशंस की बात करें तो पहला म्यूटेशन सोनिक हेजॉक का है डबल म्यूटेशन कर दे तो साइक्लोपिया साइक् होती है जिसमें एक आई का फॉर्मेशन होता है आने लगता है ठीक है मिड लाइन होती है फेस की वो डिस्टर्ब हो जाती है फिर इसमें टेरोट्रोजेंस हैं जो क्या करते हैं स्मूथन रिसेप्टर को इनिबिट कर देते हैं और उसकी वजह से भी जो एबनॉर्मेलिटीज है हमारे फेशियल्स के अरेंजमेंट में वो हमें नजर आती है तो उसमें जरबिन और साइक्लोपिन है ये दो नाम याद रखिएगा लेटर फिर जो बाद में थोड़ा सा डेवलपमेंट आगे बढ़ता है तो उसमें हमें पैदर डेवलपमेंट का डिफेक्ट नजर आता है अगर हम सोनिक जो प्रोटीन है उसको हटा दें हेयर फॉर्मेशन मैमल्स में डिफेक्ट कर जाता है फिर पैच रिसेप्टर में हम म्यूटेशन कर दे तो उसमें हमको अलग अलग तरीके के जो कैंसर हैं वो हमको यहाँ पे नजर आने लगते हैं तो ये पॉइंट आपको समझ में आया इसमें किसी को कोई डाउट तो यहां पे जो हमारी हेजॉक प्रोटीन है वो यहां पे खत्म होती है ठीक है प्रोटीन में बस इतना ही इन्वॉल्व है इतना ही चीजें हैं जो इन्वॉल्व है और सीएसआई बस इतनी ही चीजें आपसे टारगेट करेगा उसके या तो म्यूटेंट फॉर्म को या फिर उसके फंक्शनल फॉर्म को ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब हम लोग देखते हैं जो डब्ल्यू एंटी सिग्नलिंग है ठीक है डब्ल्यू एन टी सिग्नलिंग में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं और कौन कौन सी चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व होंगी तो वो सारी चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं तो ठीक है सभी को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं ओके okay, क्लियर है सभी को अंजलि जी सब आपका आंसर आ गया क्लियर है श्रद्धा ठीक है वेद सबका आंसर आता जा रहा है और सभी को समझ में भी आ रहा होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं चलिए ठीक है अब हम लोग बात करते हैं डब्ल्यू एन टी सिग्नलिंग ठीक है वॉट इज डब्ल्यू एन टी सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग है जैसा कि आपको पता है डब्ल्यू एन टी जो वर्ड है ये कहां से आया तो ये वर्ड आया है दो प्रोटीन के से, ठीक है पहला वर्ड है विंगलेस ये विंगलेस जीन है जो ड्रोसोफिला में पाया जाता है और इसके म्यूटेशन होने पे, जो विंग्स का फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं डिफेक्ट हो जाता है ठीक है और जो मैमल्स हैं जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें इंटीग्रेटेड ये दोनों होमोलॉग हैं दोनों का फंक्शन देखा गया एक ही जैसा है जो इंटीग्रेट है ये मिला है हमारे वर्टिब्रेट से ठीक है उससे लिया गया है तो जो हमारा विंगलेस है ठीक है उसका W और N और जो इंटीग्रेटेड है उसका T तो इस तरीके से जो नाम बना वो है WNT ठीक है तो WNT प्रोटीन के बारे में आपने जान लिया ये कहां से आया कैसे आया जो WNT प्रोटीन है ये एक तरीके का पैराक्राइन फैक्टर है ये आपको पता होना चाहिए ठीक है WNT एन टी इज अ पैराक्राइन फैक्टर पॉइंट में आया नेक्स्ट क्या चीज है अब डब्ल्यू एन सिग्नलिंग जैसे मैंने बोला हर एक सिग्नलिंग के लिए अपना अपना कोई ना एक चीज रिस्पॉन्सिबल होता है जैसे रिसेप्टर उसका सिग्नल ट्रांसड्यूसर उसके ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर उसके ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे समझते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती है तो उसके लिए भी हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डब्ल्यू एन सिग्नलिंग में तो उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर है और क्या क्या चीजें ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर हैं सो फॉर डब्ल्यू एन टी सिग्नलिंग तो डब्ल्यू एन टी सिग्नलिंग के लिए सबसे पहले हमें देखना है रिसेप्टर ठीक है रिसेप्टर क्या है डब्ल्यू एन टी का जो सिग्नलिंग का जो रिसेप्टर है वो है फ्रिजल्ट ये पॉइंट आपको याद रखना है ये पूछा जाता है फ्रिजल्ट रिसेप्टर ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें सिग्नल ट्रांसड्यूसर की व्हाट इज सिग्नल ट्रांसड्यूसर इसमें कौन सा सिग्नल ट्रांसड्यूसर हो सकता है तो वो है हमारा डिश डिशविल्ड इसके बारे में हम लोग देखेंगे डिश डिसविल्ड क्या होता है ठीक है ये नाम आपको याद रखना है डिश डिसवील्ड प्रोटीन अब बात करते हैं व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर ठीक है तो ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर क्या है तो इसमें जो ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर है वो है जी एस के थ्री दिस इज ग्लाइकोजन सिंथेस के जो ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है ठीक है है उसके रेगुलेशन में हेल्प करता तो ग्लाइकोजन सिंथेस का और उसके अलावा न्यूक्लियस में दो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होते हैं एलसीएफ एंड टी सी एफ ये जीन को इनिबिट करके रखते हैं और इनके प्रेजेंस में जो डब्ल्यू एन टी सिग्नलिंग है वो कैसी रहेगी वो हमेशा स्विच ऑफ की कंडीशन में रहेगी अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर की वाट इज ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर इन डब्ल्यू एन टी सिग्नलिंग तो बहुत ईजी है वो है हमारा सबसे फेमस वर्ड डेवलपमेंट का बीटा कैटनिन। ठीक है बीटा कैटन सिग्नलिंग हम लोग पढ़ेंगे जब भी हम लोग पढ़ेंगे एम्फीबिया या ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला में तो खैर इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है लेकिन जब एम्फीबिया पढ़ेंगे चिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे हम बीटा कैटन के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे ठीक है तो इस तरीके से हमने यहां पे तीन चीजें देखी रिसेप्टर सिग्नल ट्रांसड्यूसर ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर एंड ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर ठीक है और लाइग क्या है जो हमारा सिग्नलिंग नेम है यानी कि WNT. तो ये हो गया है हमारी चीज अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि डब्ल्यू एन टी सिग्नलिंग कितने तरीके की हो सकती है तो टाइप ऑफ डब्ल्यू एन टी सिग्नलिंग तो सबसे पहले हम लोग डब्ल्यू एन टी सिग्नलिंग के टाइप को हम लोग पढ़ लेते हैं ठीक है कितने टाइप की होती है और ये होते हैं दो टाइप के ठीक है पहला होता है जो द डब्ल्यू एन टी कैनोनिकल पाथवे कैनोनिकल पाथवे और कैनोनिकल पाथवे का मतलब होता है कि जो नॉर्मली सिग्नलिंग चल रही होती है ठीक है किसी भी डेवलपमेंट में जो नॉर्मल डब्ल्यू एन टी सिंगलिंग होगी वो मोस्टली कैनोनिकल पाथवे को ही फॉलो करती है और जो स्पेशल टाइप की सिग्नलिंग है जिसको हम लोग बोलेंगे द डब्ल्यू एन टी नॉन कैनोनिकल पाथवे ठीक है तो ये पॉइंट में आया कैनोनिकल पाथवे एंड द नॉन कैनोनिकल पाथवे जो नॉन कैनोनिकल पाथवे है ये दो टाइप की होती है एक पाथवे ऐसा होगा जिसमें हम साइटोस्केलिटल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे साइटोस्केलेटल चेंज होता है ठीक है तो एक हो गई हमारी साइटोस्केलेटल चेंजेस सिग्नलिंग और एक सिग्नलिंग होती है जिसमें हम लोग बोलते हैं कैल्शियम डिपेंडेंट पाथवे कैल्शियम डिपेंडेंट पाथवे तो ये सभी को समझ में आ रहा है यहां पे क्या हो रहा है ठीक है तो जो साइटो तो चेंज पाथवे है इसको हम लोग बोलते हैं पीसीपी प्लेनर सेल पोलैरिटी ठीक है पीसीपी डब्ल्यू एन टी सिग्नलिंग है उसके तो जो changes उसके जो होते हैं उसकी उसकी वजह से होती है है में का होता वो सारी चीजें हम लोग उसमें पढ़ेंगे तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है ठीक है नॉन कैनोनिकल पाथवे और दूसरी तरफ कैल्शियम डिपेंडेंट पाथवे जिसमें कैल्शियम का इन्वॉल्वमेंट होगा तो ये सबको समझ में आ रहा है यहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ठीक है थीके? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक ओवरऑल पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें होगी कैसे काम करेगा तो नॉर्मली जैसे कोई भी सिग्नलिंग है जब वो ऑन होती है जब वो चलती है तो सिंपल से उसमें क्या हो रहा है कि वो अपने रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद एक सिग्नल कास्केट ऑन हो रहा है और एक ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर ऑन होगा जिससे डीएनए से वो बाइंड करेगा और जीन का एक्सप्रेशन होगा ठीक है तो हम लोग बना लेते हैं एक ओवरऑल डब्ल्यू एन टी है यह बाइंड किया से क्या हो रहा है डिसविल्ड ये एक्टिवेट हो रहा है डिसविल्ड के एक्टिवेट होने से ये इनिबिट कर रहा है जीएस थ्री को ठीक है GSK3 के थ्री के से क्या हो रहा है बीटा कैटन एक्टिवेट हो रहा है बीटा कैटन के एक्टिवेशन से ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो रहा है अगर हम किसी बुक को फॉलो करें जैसे डेवलपमेंटल हो गए ठीक है डेवलपमेंटल में जो ग्रिलबर्ड की बुक है उसमें उन्होंने क्या कर रखा है कि उन्होंने फ्लो चार्ट बनाया है उसी तरीके से जिसमें डब्ल्यू फ्रीजर डिसवेल्ड को बनाया है जीएस के थ्री से पहले आप देख रहे हैं कि पे और उसी तरीके से GSK3 जो होता है ये भी बीटा को के रखता है तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि जीएसके थ्री बीटा कैटन को इनिबिट कर रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन ऑन कैसे है आपको बस इतना देखना है कि जीएसके थ्री भी इनिबिट हो रहा है ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है ये आपसे पूछा जाएगा ऐसे बन के आएगा और वो पूछेगा कि किस कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन या डब्ल्यू एन सिग्नलिंग चलेगी तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कि जिसमें आपको बस देखना है है भी कर कर रहा थ्री को और जीएसके थ्री बीटा कैटन को इनिबिट कर रहा है इसी चीज को आपको क्या करना है सिलेक्ट करना है ठीक है तो इस तरीके से डब्ल्यू एन टी फ्रीजर डिस बीटा कैटन देन ट्रांसक्रिप्शन ऑन तो एक तो ओवरऑल हमारी सिग्नलिंग हो गई ठीक है अब हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन जो हमारी दोनों सिग्नलिंग है कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दी कैनोनिकल पाथवे पॉइंट में आ रहा है तो कैनोनिकल पाथवे में हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे पहला है इन दबसेबू एन टी चलिए अब हम लोग सॉरी इन दबेंस ऑफ डब्ल्यू एन टी तो जैसे कि हर एक चीज के लिए रिसेप्टर की जरूरत है तो हमारे हम लोग अपना रिसेप्टर बनाते हैं सबसे पहले ये हो गई प्लाज्मा ठीक है उस पर मौजूद जो रिसेप्टर है उस रिसेप्टर का नाम है हमारा फ्रिज ठीक है ये ये भी एक प्रोटीन होती है ये आपको याद रखना है ठीक है ये ये आपसे आपसे पूछा जाएगा आप कई सारी चीजों में पूछेंगे कि जो डब्ल्यू एन टी है ये इसका जो रिसेप्टर है वो कैसा है ट्रांसमेम्ब्रेनस है सेक्ट्री है एक्स्ट्रा सेलुलर है तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी ठीक है तो एक ट्रांसमिम्बरेनस प्रोटीन है इसके साथ एक रिसेप्टर ऑल लगा होता है ठीक है जिसको हम बोलते हैं एल आर पी एल आर पी ठीक है LRP, LRP, ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है चलिए ठीक है इस एल को हम लोग नाम दे देते हैं फाइव एंड सिक्स अलग अलग सब यूनिट्स के बने होते हैं और दूसरी तरफ हमारा है पैच रिसेप्टर ठीक है, सॉरी फ्रीजल रिसेप्टर नॉट पैच इज फ्रीजल फ्रीजल रिसेप्टर ठीक है और ये हमारी हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस फ्रीजल रिसेप्टर के साथ क्या हो रहा होता है जब तक इस फिजल रिसेप्टर से कोई डब्ल्यू प्रोटीन बाइंड नहीं रहता है तब तक इस फिजल प्रोटीन के जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन है जो आप ये पार्ट देख रहे हैं ठीक है ये पार्ट ये पार्ट एक्टिवेट रहता है और ये डिसवील्ड प्रोटीन को इनहिबिट करके रखता है ठीक है चीज आपको याद रखनी है क्या कर रहा है ये, ये इनिबिट करके रख रहा है डिस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीएसएस से भी लिखते हैं तो जब तक यहां पे डब्ल्यू एन टी अपसेंट है नो डब्ल्यू एन टी तब तक ये फ्रिजर्ड एक्टिवेट रहेगा ठीक है और एक्टिवेटेड फॉर्म में ये डिस प्रोटीन को इनिबिट करके रखेगा। इसके इनिबिशन से साइटोप्लाज्म में मौजूद जो जीएसके थ्री है ठीक है जीएसके थ्री वो एक्टिवेट रहता है ये पॉइंट आपको याद रखना है ठीक है जब तक डब्ल्यू एन टी नहीं है जीएसके थ्री क्या रहेगा एक्टिवेट रहेगा अब हर एक सिग्नलिंग का अपना एक रिप्रेसर होता है और एक ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर होता है तो डब्ल्यू एन टी सिग्नलिंग का जो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर है वो है बीटा कैटन तो बीटा कैटन में बना देता हूं यहां पर दिस इज बीटा कैटन ये जो बीटा कैटन होता है ये इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटेड जीएसके थ्री ये इनिबिट रहता है ठीक है कैसे जो जीएसके थ्री है ये क्या है ये काइनेज है दिस इज अ काइनेज सबको पता है काइनेज क्या करेगा काइनेज करेगा ठीक है ये क्या कर रहा है फास्फोराइलेशन कर रहा है किसका बीटा कैटनिन का ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है फॉस्फोराइलेटेड बीटा ठीक है ऐसे नहीं होगा इसको फॉस्फोराइलेशन करने के लिए इसको पकड़ के रखना होता है क्योंकि तो साइटोप्लाज्म में बीटा क्या है कहना कहीं ना कहीं मूव करता रहेगा हम लोग जब पढ़ेंगे ड्रोसोफिला और ये हम कह सकते हैं जब हम पढ़ेंगे एम्फीबिया तो वहां पे हम बीटा कैटन का रोल देखेंगे कि वो क्या करता है एज अ मार्फोजन ग्रेडियन के तरीके वर्क करता है वो मूव करता है साइटोस्केलेटल मूवमेंट होता है ठीक है तो बीटा कैटन को पकड़ के रखना है इसको पकड़ के रखने का काम होता है एपीसी ठीक है एपीसी एक कह सकते हैं सेल साइकिल है प्रोटीन है ये आप लोग पढ़ेंगे जब सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे तो वहां पे एपीसी नाम आपको आएगा तो एपीसी क्या करता है जीएसके थ्री की हेल्प से ठीक है क्योंकि यहां पे ये यह सभी कंबाइंड वर्क कर रहे हैं एपीसी बीटा कैटनिन को यहां पे पकड़ के रखे हुए है और एपीसी की हेल्प से जीएस थ्री इसको फास्फोराइलेट कर रहा है ठीक है साथ में क्या हो रहा है हो रहा है, यह पॉइंट आपको समझ में आ रहा है यहां पे? मैं यहां पे इसको फास्फोराइलेट दिखा देता हूं ठीक है इसी के साथ में एक और प्रोटीन होता है जिसका नाम है एग्जिन यानी कि एपीसी और एक्सिन मिलके बीटा कैटन को पकड़ के रखते हैं बाइंड करके रखते हैं और GSK3 थ्री वो क्या करता रहता है फॉस्पोराइलेट करता रहता है फॉस्पोराइलेटेड फॉर्म में जो बीटा कैटन है ठीक है इस फॉस्पोराइलेसन को यूबिक्विटिन लाइगेज डिटेक्ट करता है और वो क्या कर देगा वो इसका यूबीक्टनाइजेशन कर देगा यूबीक्टनेशन करते ही जो बीटा कैटनीन है उसका प्रोटीसोमल डिग्रेडेशन हो जाएगा ठीक है कुछ इस तरीके से हम ये कह सकते हैं ये यूबिक्यूटनेजन इसका लग गया और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो प्रोटीओसोम है ठीक है उसमें इस बीटा कैटन का डिग्रेडेशन कर दिया जाता है तो ये पॉइंट सबको समझ में आया कि यहां पे क्या हो रहा है और डिग्रेडेशन के बाद जो न्यूक्लियस है उसमें मौजूद डीएनए उस डीएनए से दो प्रोटीन बाइंड रहते हैं ठीक है एलसीएफ एंड टीसीएफ और इनके बाइंड रहने से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ऑफ रहता है ऑफ तो ये पॉइंट आपको समझ में आया न्यूक्लियस में क्या हो रहा है और ऊपर क्या हुआ इसको आप लोग एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए सिग्नलिंग को जी येलो कलर मैंने एज अ एक्टिवेशन के लिए दिखाया है ठीक है उसमें आपको कोई ज्यादा परेशान की जरूरत नहीं है मैंने उसको लिखा नहीं है अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ इट्स जस्ट नोटेशन टू शो एक्टिवेटेड फॉर्म और वी कैन से फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म चलिए हमें लग रहा है कि अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है सिग्नलिंग में जो पहले पहली बार पढ़ रहे हैं वो मुझे बताएं कि क्या आपको ये समझ में आ रहा है सचिन जी बिल्कुल सही आपने कहा जितना ज्यादा आप लोग इसको शेयर करेंगे उतने ज्यादा लोग जुड़ेंगे वो क्वेश्चन पुटअप करेंगे और आप लोग के लिए भी बहुत अच्छा होगा कि ज्यादा से ज्यादा नए क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे ठीक है वो नेक्ट क्वेश्चन जो भी माइंड में आते हैं उससे आप लोग को और आइडिया मिलेगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहां पे आप देख रहे हैं कैसे इनिबिशन हो रहा है इस पॉइंट को आपको याद रखना है ठीक है इनिबिशन कर रहा है फ्रिजल्ट का साइटोप्लाज्मिक डोमेन डिस वर्ल्ड को तो ये थी रिएक्शन इन द दबेंस ऑफ डब्ल्यू एन टी अब हम लोग बात करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या हो रहा है वो चीजें यहां पे हम लोग अब देखेंगे प्रेजेंस ऑफ डब्ल्यू एन टी चलिए तो अब जैसा कि हमने देखा कि जो डिसविल प्रोटीन है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा होगा ठीक है क्योंकि वो एज अ ट्रांसक्रिप्शनल ड्यूसर है और वो कहीं कही ना कहीं सिग्नल को आगे बढ़ाएगा ठीक है तो ये सारी चीजें आप लोग को यहाँ पे पहले तो ध्यान में देनी है कि जो इनभीट है वो इस बाइंडिंग पार्ट में यानी कि डब्ल्यू एन टी के बाइंड होते ही वो एक्टिवेट हो जाएगा और जो एक्टिवेट है वो इनबिट हो जाएगा ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हमारा रिसेप्टर रिसेप्टर का नाम क्या है हमारा जो है फ्रीजर ठीक है फ्रीजर के साथ में एक को रिसेप्टर लगा हुआ है जिसको हमने नाम दिया था एल आर पी चलिए नाम दे देते हैं फटाफट एल आर पी सॉरी एल आर पी ठीक है फाइव एंड सिक्स दिस इज अ फ्रीजर ठीक है अब देखिए अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं डब्ल्यू एन टी को बाइंड कराएंगे आपको याद रखना है कि डब्ल्यू एन टी जो है वो फ्रीजर्ड और एल आर पी दोनों से क्या करता है बाइंड करता है या ऐसा कह सकते हैं कि जो एल आर पी है बाइंडिंग को क्योंकि को receptor है ठीक है तो डब्ल्यू एन टी के बाइंड होते ही जो फ्रीजर्ड रिसेप्टर है उसका साइटोप्लाज्मिक डोमेन वो क्या हो जाएगा वो पूरी तरीके से सप्रेस हो जाएगा और जैसे ही वो सप्रेस होगा उसकी पकड़ से जो डिस्ड है वो क्या हो जाएगा आजाद हो जाएगा और डिसवील्ड के आजाद होते ही वो एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाएगा ठीक है इसके एक्टिवेट होते ही जितने साइटोप्लाज्म में जितने भी प्रोटीन थे जो अभी तक एक्टिवेट थे डब्ल्यू एन टी की अब्सेंस में अब वो इनहिबिट कर दिए जाएंगे तो डिसविल्ड क्या करेगा सबसे पहले जीएसके थ्री को टारगेट करेगा ठीक है यानी कि मेन जो है जीएसके थ्री है क्योंकि जीएसके थ्री क्या कर रहा है फास्फोराइलेशन, बीटा का और फास्फोराइलेटेड फॉर्म में ही उस बी, बीटा कैटनिन का प्रोटीसोमल डिग्रेडेशन हो रहा है तो अगर हम जीएसके थ्री को रोक दें तो बीटा कैटनिन क्या हो जाएगा एक्टिवेट रहेगा ठीक है तो ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है तो जीएसके थ्री क्या हो गया है यहां पे अब डिसवेल्ड की प्रेजेंस में जो जीएसके थ्री है वो एनिबिट कर दिया जाएगा ठीक है ये पॉइंट समझ में आ रहा है सभी को चलिए जीएसके थ्री के एनिबिट होते ही जो एपीसी है और जो एक्स है ये कोई काम के नहीं रह जाएंगे ठीक है इनका कोई फंक्शन नहीं रह जाएगा ये किसी भी तरीके से बीटा कैटनीन को अब रोक नहीं पाएंगे तो बीटा कैटनीन अब यहां पे क्या हो जाएगा आजाद हो जाएगा जी एस थ्री के, के इनिबिट होते ही एपीसी और एक्सिन पूरी तरीके से क्या हो गए नॉन फंक्शनल और बीटा कैटन अब यहां पे क्या हो जाएगा फंक्शनल तो इस तरीके से जो एपीसीज हैं ठीक है थीके? ये कैसे हो गए ये हो गए नॉन फंक्शनल ठीक बीटा कैटनीन एक्टिवेट हुआ और एक्टिवेटेड बीटा कैटनीन मैंने स्टार्टिंग में बताया वो क्या काम करता है वो एज अ ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर की तरीके काम करेगा ये डीएनए पे बाइंड जो पहले से ही एल ठीक है और टी सी एफ है उनको जो बीटा कैटिन है वो रिमूव कर देगा ठीक है और इस तरीके से ये रिमूव हो जाएंगे और रिमूव होते ही जो पर्टिकुलर पोर्शन है जिस पोर्शन पे ये ब्लोनो बाइंड है वो पोर्शन एक्टिवेट हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन यहां पे ऑन हो जाएगा तो ये पॉइंट सबको समझ में आया इसमें किसी को कोई डाउट ठीक है तो आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं क्या चीज हो रहा है यहां पे डब्ल्यू एन टी सिग्नलिंग में बहुत ईजी सिग्नलिंग है कुछ भी नहीं है इसमें से बाइंड हुआ ठीक है उसके बाइंड होते ही जो फ्रिजल्ट है वो क्या हो गया वो इनिबिट हो गया ठीक है उसके इनिबिट होते ही डीएसएचएस क्या हो गया ये एक्टिवेट हो गया इसके एक्टिवेट होते ही डीएस थ्री क्या हो गया ये इनिबिट हो गया ठीक है और इसके इनिबिट होते ही जो बीटा कैटन है वो क्या हो गया एक्टिवेट हो गया तो इस तरीके से जो डब्ल्यू सिग्नलिंग है वो यहां पे काम करती है तो ये तो हम लोग ने यहां पे जो कैनोनिकल पाथवे है उसके बारे में हमने यहां पे पढ़ लिया ठीक है अब हम लोग जो दूसरी सिग्नलिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन कैनोनिकल पाथवे उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं ठीक है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि नॉन कैनोनिकल पाथवे कैसे काम करता है तो नॉन कैनोनिकल पाथवे है इसमें साइटो स्केलेटल चेंजेस आएंगे यानी कहीं ना कहीं जो सेल की मॉर्फोलॉजी है सेल का ओरिएंटेशन है वो सारी चीजें यहां पे हमें नजर आएंगी ठीक है तो सारी चीजें तो वैसे ही रहेंगी यानी कि हमारा जो रिसेप्टर है ठीक है वो वैसे ही रहेगा साथ में जो हमारा एलआरपी है वो भी रहेगा इस एल इस पी के साथ में कुछ और भी कोरिसेप्टर्स बाइंड रहते हैं ठीक है उनको हम लोग यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे और ये है हमारा फ्रीजल्ट ठीक है साइटोप्लाज्म में डीएसएच यानी कि डिसफील्ड जो प्रोटीन है वो हमारा मौजूद रहेगा ठीक है अब देखिए क्या हो रहा है यहां पे सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं LRP और के डब्ल्यू एन टी प्रोटीन क्या करेगा बाइंड करेगा। सिर्फ एल आर पी फाइव सिक्स और फ्रिजल्ट के साथ अकेले बाइंड नहीं करता यहां पे एक रिसेप्टर और होता है ठीक है उसको भी मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं ताकि आप लोग को थोड़ा सा क्लियर रहे ज्यादा बेटर है ये है आर वाई के और आर ओ आर ठीक है इनसे ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होता इनडायरेक्टली जो डब्ल्यू एंटी प्रोटीन है वो इनको क्या करता है एक्टिवेट करता है मैकेनिज्म अभी इतना डेवलप नहीं है कि कैसे वो एक्टिवेट करता है बस देखा गया है कि हाँ नान पाथवे में कहीं ना कहीं दो प्रोटीन राइक और रॉर इनका एक्टिवेशन हुआ है ठीक है तो वो भी मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि पूछा जा सकता है चलिए ठीक है तो डब्ल्यू एन टी के बाइंड करते ही रिजल्ट क्या हो जाएगा इनएक्टिवेट हो जाएगा और डिसविल्ड एक्टिवेट हो जाएगा डिसविल्ड क्या करेगा रो जी टीपीएस ठीक है इस प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा साथ में राइक और रॉर यह प्रोटीन भी रोज जी एस को क्या करते हैं एक्टिवेट करते हैं तो आपको याद रखना है कि नॉन कैनोनिकल पाथवे जिसमें साइटोस्केलेटल चेंज नजर आएगा उसमें हमको रोज ए का इन्वॉल्वमेंट हमें नजर आएगा ठीक है अब रोज़ जीटीपीएस क्या करेगा एक तरफ ये जो साइटोस्केलिटल्स है ठीक है जो साइटोस्केलिटल है उनको कहीं ना कहीं एक्टिवेट करेगा ठीक है उनको ये मॉडिफाइड करेगा उनको सिग्नल देगा ठीक है और दूसरी तरफ एक प्रोटीन है जे एन के उनको ये एक्टिवेट करेगा ठीक है जो रोज ए मैं होता बता देता हूं यहां पे थोड़ा सा मैं मेंशन ही कर देता हूं आपको ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इसको समझने में हेल्प करेगा रोज ए रो प्रोटीन को एक्टिवेट करता है ठीक है वो मैं बता ही देता हूं रो ए प्रोटीन ठीक है जब आप सिंगलिंग पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में तो वहां पे पता चलेगा ये रो ए प्रोटीन क्या है ठीक है ये अलग अलग मोनोमर्स होते हैं कई तरीके के तो रो ए प्रोटीन और साथ में डैम वन प्रोटीन एक और होती है डैम वन प्रोटीन ठीक है इनका एक्टिवेशन होता है और रो वन प्रोटीन जहां भी एक्टिवेट होगी ये साइटोस्केलेटन चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी ठीक है तो रो जीटीपीएस ने रो ए एक को एक्टिवेट किया रो ए एक अलग सिग्नलिंग पैटर्न को ऑन करती है जिसमें रॉक प्रोटीन इन्वॉल्व होता है वो रॉक प्रोटीन साइटोस्केलेटल चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ठीक है तो आपको बस नाम याद रखना है रो ए प्रोटीन आ गया जहां पे भी आप समझ जाइएगा वहां पे साइटोस्केलेटल चेंज हो रहा है दूसरी तरफ जो जेन के प्रोटीन है ठीक है ये भी इन्वॉल्व होता है डायरेक्ट न्यूक्लियर में और वहां पे भी ये अलग अलग तरीके के जीन ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर देता है ठीक है तो ये पॉइंट आपको याद रखना है यहां पर साइटोस्केलेटल चेंज हो रहा है तो वो कौन सी सिग्नलिंग होगी आपसे पूछा जाएगा साइटोस्केलेटल चेंज ये साइटोस्केलेटल चेंज सेल मार्फोलॉजी हो सकती है सेल मूवमेंट हो सकता है ठीक है और सेल का जो ओरिएंटेशन है वो भी हो सकता है ये पॉइंट आपको याद रखना है दिस इज द नॉन कैनोनिकल पाथवे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग किसी को डाउट इसमें चलो समझ में आ रहा सभी को बहुत बढ़िया बात है ठीक है अब हम लोग बात करते हैं जो हमारी थर्ड है ठीक है थर्ड यानी कि कैल्सियम डिपेंडेंट डब्ल्यू एन टी सिग्नलिंग ये देख लेते हैं जल्दी से इसमें भी सेम चीज है ठीक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा साथ में फ्रीजर रिसेप्टर और साथ में जो अलग को रिसेप्टर हैं वो ठीक है एल आर पी फाइव एंड सिक्स ये हो गया हमारा फ्रीजर डब्ल्यू एन टी आके बाइंड करेगा ठीक है के बाइंड करने से यहां पे एक क्रॉस टॉक होती है बिटवीन जो हमने अभी इससे पहले वाली सिग्नलिंग देखी ठीक है जो ये फ्रीजर नॉनकेमिकल जिसमें रोज जीटी पी एक्टिवेट हो रहा है इसमें क्या होता है क्रॉस टॉक में प्रोटीन पीएलसी गामा ठीक है सी वो एक्टिवेट होता है इसमें जीटीपी जो हम लोग कहते हैं जी सिग्नलिंग ठीक है जीपीसीआर सिग्नलिंग उसका यहां पे इन्वॉल्वमेंट होता है यहां पे फ्रीजर्स के जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन है ठीक है उससे जो डिसविल्ड बाइंड रहता है वो डिसविल्ड दूसरी तरफ जो जी प्रोटीन है ठीक है यहां पे मैं बना देता हूं जो जी प्रोटीन है अल्फा, बीटा एंड गामा ठीक है इन प्रोटीन का यहां पे इन्वॉल्वमेंट हमें नजर आया है ये जी प्रोटीन आफ्टर बाइंडिंग डब्ल्यू एन टी एक्टिवेट हो जाती है ठीक है और यह जो ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन है सी हालांकि फास्फोलाइप जो फास्फोलाइपिस ये ये पूरी तरीके से ट्रांसमेम्ब्रेनस नहीं होती है थोड़ा सा इसका साइटोप्लाज्मिक डोमेन रहता है और ये हाफ कह सकते हैं कि ये ट्रांसमेम्ब्रेनस होती है ठीक है फास्फोलाइपिस सी को ये क्या कर देती है एक्टिवेट कर देती है और फास्फोल जो लाइपिस सी है ये साइटो जो ट्रांसमेम्ब्रेन मौजूद है ट्रांसमेम्ब्रेन हमें यहां पे नजर आ रहा है यानी कि जो प्लाज्मा है इसमें एक ट्रांसमेम्ब्रेनस मोएटीज होती है ठीक है इसको एक्टिवेट कर देती है कैसे एक्टिवेट करती है बाय क्लीव ये मोएटी होती है पी आई पी टू ये आपको याद रखना है पी आई पी टू फास्पोनिटॉल फॉस टू ठीक है यह आपसे पूछा जाता है सेकेंडरी मैसेजर के फॉर्म में वॉट इज पी आई पी टू ठीक है तो पी आई पी टू एक्टिवेट होता है पी आई पी टू के एक्टिवेट होते ही आई पी थ्री बनता है ठीक है और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्मूथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें कैल्शियम के एक्सोसाइटोसिस को यानी कि आउटफ्लक्स को इफ्लक्स को इन्फ्लुएंस कर देता है ठीक है जो आईपी थ्री है ये भी हमारा सेकेंडरी मैसेजर है ये आपको याद रखना है ये पूछा जाता है सेकेंडरी मैसेजर जो कैल्सियम है ये भी हमारा सेकेंडरी है ठीक है तो पी टू से दो सेकेंडरी मैसेजर बनते हैं एक आईपी थ्री और एक कैल्सियम इस कैल्सियम के एक्टिवेट होते ही ये कैल्शियम फर्दर आगे बहुत सारे अदर फैक्टर्स है ठीक है नेक्रोसिस फैक्टर्स उनको एक्टिवेट करता है और बहुत सारे अदर एपाप्टोटिक फैक्टर्स हैं उनको भी एक्टिवेट कर देता है सेल की ग्रोथ को भी एक्टिवेट कर देता है तो इस तरीके से ये इन्वॉल्व होता है हमारे ट्रांसक्रिप्शन में ठीक है तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस हो गया और इस तरीके से फिर यहाँ पे बहुत सारे जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है ठीक है तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कैसे कैल्सियम एक्टिवेट हो रहा है तो फ्रीजर से बाइंड हुआ एक्टिवेट हुआ एक्टिवेट डिशविल्ड ने जी एल्फा को एक्टिवेट किया जीएल्फा ने पीएलसी को एक्टिवेट किया पीएलसी पी टू को क्लीव करता है और आईपी थ्री बनता है और आईपी थ्री स्मूथ ईआर ER में जाता है और वहां पे ईआर ER में ना जाके वहां पे मौजूद जो चैनल्स होते हैं ठीक है आईपी थ्री के उसके साथ बाइंड करता है और उससे जो कैल्शियम है ठीक है वो बाहर की तरफ आता है और कैल्शियम का इफ्लक्स शुरू हो जाता है इस तरीके से यहाँ पे दो सेकेंडरी मैसेंजर बनते हैं जब आप सिग्नलिंग पढ़ेंगे पी टू की तो वहां पे देखेंगे एक डैग भी बनेगा डाई ग्लिसरॉल तो वो भी एक सेकेंडरी मैसेंजर है तो इस तरीके से तीन सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज होते हैं तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है सभी लोगों को कि यहाँ पे क्या हो रहा है कैल्शियम डिपेंडेंट स्टडी में चलिए ठीक है ओके तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है समझने के लिए कि डब्ल्यू एन टी सिग्नलिंग जो है वो कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है ठीक है इसका कुछ डिफेक्ट देख लेते हैं अब हम लोग क्या क्या डिफेक्ट है और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा सो so, the... डब्ल्यू एन टी के क्या क्या करेक्टर्स हो सकते हैं उसकी वजह से क्या क्या हमें डिफेक्ट या जो एक्टिवेशन है वो हमें नजर आएगा ठीक है तो डब्ल्यू एन टी सबसे पहले तो हमें पता है कि विंगलेस प्रोटीन है तो कहीं ना कहीं विंग्स का बनना जो ड्रोसोफिला है ठीक है उसके विंग्स के बनने में जो डब्ल्यू एन टी है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है ये एक तरीके का सेगमेंट पोलैरिटी ये प्रोटीन है जिससे ड्रोसोफिला के एक्सिस फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं हमें नजर आता है ठीक है तो बात करते हैं डब्ल्यू एन टी क्या कर रहा है यहां पे स्टेबलिस पोलैरिटी ऑफ इंसेक्ट एंड वर्टिब्रेट लिम्स ठीक है तो ये पॉइंट आपको याद रखना है वर्टिब्रेट लिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये ठीक है ये स्टेम सेल के प्रोलिप्रेशन में इन्वॉल्व होता है स्टेम सेल के प्रोलिप्रेशन में इन्वॉल्व होगा जो एक्सेस है ठीक है सेल के बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज के टिश्यूज एक्सेस फॉर्मेशन मैमल्स का जो यूरोजेनाइटियल सिस्टम है उसके डेवलपमेंट में ठीक है और गाइडिंग ऑफ माइग्रेशन ऑफ मीज एंड काइमल सेल्स मीज एंड काइमल सेल्स ठीक है तो ये कुछ तीन कह सकते हैं मेन मेजर है जिसमें हम कह सकते हैं कि एक पोलेटी स्टेम सेल प्रोलिफ्रेशन और मेमेलियन यूरोजेनाइट सिस्टम ये तीन बहुत ही मेजर डेवलपमेंट पाथवे हैं ठीक है थीके? जिसमें डब्ल्यू एन टी का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है तो आज की क्लास में हम लोग तो इतना ही रखते हैं जिसमें हमने ये देखा कि जो हैजॉक प्रोटीन है ठीक है उस हैजॉक प्रोटीन का यहाँ पे क्या इन्वॉल्वमेंट है हैजॉक प्रोटीन के बारे में जाना उसके रिसेप्टर के बारे में जाना उसका रोल देखा हमने कि क्या क्या रोल हो सकता है उसका डिफेक्ट कर दिया जाए तो क्या क्या नजर आता है फिर हमने उसकी सिग्नलिंग देखी कि उसके एबसेंस में क्या हो रहा है उसके प्रेजेंस में क्या हो रहा है उसका सिग्नल ट्रांसड्यूसर कौन है उसका रिसेप्टर कौन है उसका ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर कौन है ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर कौन है ये जाना देन उसका सिक्विशन पाथवे जाना फिर हमने डब्ल्यू पाथवे के बारे में जाना डब्ल्यू क्या होता है कितने टाइप की होती है दोनों टाइप के बारे में हमने पढ़ा कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल ठीक है कैनोनिकल पाथवे के बारे में पढ़ा नॉन कैनोनिकल पाथवे के बारे में पढ़ा उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी उसके करेक्टर्स देखे डब्ल्यू एन टी प्रोटीन के कि उसका क्या क्या रिजल्ट आता है अगर वो नहीं होगा या होगा ठीक है किस किस चीज़ में उसका इन्वॉल्वमेंट है ये सारी चीज़ें देखी फिर हमने देखा कि जो हमारा आ, कह सकते हैं कि इसका जो सिग्नलिंग है ठीक है सिग्नलिंग कैसे हो रही है उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ आपको देखना है कि कैसे वो बाइंड कर रहा है और वो किस चीज को एक्टिवेट कर रहा है यही आपसे पूछा जाएगा आपसे एक सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है उस सीक्वेंस को वो डिस्टर्ब कर दे या फिर वो उस सीक्वेंस की प्रॉपर्टी पूछ ले कि ये सीक्वेंस ये काम कर रहा है तो ये दोनों चीजें आप लोग को क्या करना है याद रखना है नेक्स्ट क्लास में हम लोग डब्ल्यू एन टी प्रोटीन का सिक्रेशन देखेंगे कैसे वो सिक्रेट होता है और फिर हम लोग देखेंगे जो जेक्सटाक्राइन सिग्नलिंग है और जो टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे स्टडी करेंगे ठीक है इसी तरीके से हमारे जो सिग्नलिंग पाथवे है जो सिग्नलिंग का एक पार्ट है बहुत मेजर पार्ट वो हम लोग यहाँ पे खत्म कर लेंगे ठीक है और सभी लोग यहाँ पे पढ़ते रहे अच्छे से और हम पूरी कोशिश करेंगे सचिन जी की हमारी जो क्लास हो वो रेगुलर हो क्योंकि और हमारे पास क्या है यही चीजें हैं हमें आप लोग को पढ़ाना है ठीक है अच्छे से ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तैयार हो और जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं आप उसको प्लीज़ उसके क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोर्सि, कोशिश कोशिश करिएगा जो प्रीवियस ईयर्स में आए हों ठीक है तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे हम लोग ठीक है आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा तब तक के लिए पढ़ते रहिए और कीप सेफ कीप हेल्दी बाय बाय